गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दुर्ग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक थर्ड ईयर एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तीन टाइप्स के लिंक लिस्ट थे, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट। जिसमें से हमने सिंगले लिंक लिस्ट को डिस्कस कर लिया है। डबली लिंक लिस्ट में हम बात कर रहे थे, डबली लिंक लिस्ट के हमने ऑपरेशन डिस्कस किए थे। अब हम डबली लिंक लिस्ट के जो हमारा प्रोग्राम है डबली लिंक लिस्ट का, हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या प्रोग्राम है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबली लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स है, हम यदि उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हेडर फाइल्स ली हुई है कुछ, जिसमें कि हमने सबसे पहले चार हेडर फाइल्स ली हुई है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल एंड स्टैंडर्ड बुलियन डॉट हेडर फाइल। ये चार हमने हेडर फाइल्स यहाँ पे ली हुई है। देन हमने स्ट्रक्चर करके नोड डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हम एक की और एक डेटा को इंट टाइप डेटा टाइप में डिफाइन कर रहे हैं, और हम स्ट्रक्चर में प्रीवियस और नेक्स्ट हम नोड को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, थिंक दिस लिंक ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट लिंक। ठीक है, जो ये जो हमारा है ये हमेशा फर्स्ट लिंक को, हेड जो है हमारा यदि नल है तो ये हमारे फर्स्ट लिंक को हमेशा पॉइंट करेगा, और यदि हम लास्ट को नल लेते हैं तो ये हमेशा लास्ट लिंक को पॉइंट करेगा। देन आता है हमारा स्ट्रक्ट नोड करेंट इक्वल टू नल, मीन जो हमारा करेंट नोड है उसे भी हम नल ले रहे हैं। यहाँ पे हम दो सारा जो हमारा लिस्ट है हम सबको नल ले रहे हैं। ठीक है, सारी लिस्ट को हम यहाँ पे नल ले रहे हैं। देन उसके बाद इज लिस्ट एम्प्टी, यदि एम्प्टी है बुलियन एम्प्टी तो रिटर्न करेगा वैल्यू नल, यदि हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो वैल्यू रिटर्न करेगा नल। देन लेंथ देगा, लेंथ डिसाइड करेंगे कि करंट इनपुट की लेंथ क्या है, जीरो है। देन इंस्ट्रक्ट नोट करंट, देन आता है फॉर करंट इक्वल टू हेड, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं और लेंथ जो है आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो रिटर्न करेगा लेंथ। देन आता है डिस्प्ले द लिस्ट इन फॉर्म फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट में डिस्प्ले करेगा लिस्ट को। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले फॉरवर्ड, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। देन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, हम पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं हेड में, उसके बाद हम नेविगेट कर रहे हैं टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड तक के। जब पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल है तो यहाँ पे जो है वैल्यू वो प्रिंट होगी। देन डिस्प्ले द लिस्ट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द लिस्ट, अब हम बना रहे हैं वॉइस डिस्प्ले बैकवर्ड, इसमें हम क्या कर रहे हैं लास्ट जो हमारी वैल्यू थी हम उसे पॉइंट कर रहे हैं। नेविगेट टिल द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ से इसे नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, वाइल पॉइंटर इक्वल टू नल, वाइल पॉइंटर इक्वल टू नल प्रिंट डेटा। ठीक है, देन डेटा प्रिंट होगा, देन मूव टू नेक्स्ट आइटम, डेटा प्रिंट हो गया तो हम उसके बाद नेक्स्ट आइटम में प्रिंट होंगे, प्रिंट करेंगे, देन मूव करेंगे नेक्स्ट आइटम में। ठीक है, और जो पॉइंटर है वो प्रीवियस आइटम को भी हमारे शो करेगा। ठीक है, प्रीवियस आइटम को भी हमारे शो करेगा। इंसर्ट लिंक एट द फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन में हमको लिंक को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट फर्स्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लोकेशन में हम इंसर्ट करेंगे। देन क्रिएट अ लिंक, एक लिंक क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट नोड लिंक इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड की साइज में हम जो मैलॉक देंगे, देन की देंगे, देन हम डेटा देंगे। यदि एम्प्टी है, इज एम्प्टी है तो मेक इट द लास्ट लिंक, यदि हमारा लिंक एम्प्टी है तो हम उसे क्या बना देंगे, लास्ट लिंक बना देंगे। और यदि नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में जाएगा, एल्स में जाके क्या करेगा, अपडेट फर्स्ट प्रीवियस लिंक, मीन्स जो हमारे प्रीवियस लिंक रहेगा वो उसको अपडेट कर देगा। देन हेड में
फर्स्ट लिंक पे जो लिंक रहेगा उसमें ऐड में वो ऑन करेगा। देन हमारा आता है इंसर्ट लिंक एट द लास्ट लोकेशन, लास्ट लोकेशन में वो लिंक इंसर्ट करेगा। वर्ड इंसर्ट लास्ट से जो भी हमारा लास्ट लोकेशन रहेगा उसमें वो लिंक इंसर्ट करेगा। क्रिएट अ लिंक स्टेप नोट, यहाँ पे वो मैलॉक की साइट के साथ एक लिंक क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर से वो देखेगा कि लिंक एम्प्टी है कि नहीं है, यदि वो एम्प्टी रहेगा तो वो उसे लास्ट लिंक बना देगा, एल्स वो क्या करेगा उसे नेक्स्ट लिंक बना देगा। ठीक है, देन आता है मार्क ओल्ड लास्ट नोट एज प्रीवियस ऑफ द न्यू लिंक। ठीक है, मार्क ओल्ड लास्ट नोट एज प्रीवियस ऑफ द न्यू लिंक, और वो जो प्रीवियस रहेगा उसे वो लास्ट नोट मार्क कर देगा। पॉइंट लास्ट टू द न्यू लास्ट नोट, जो हमारा लास्ट नोट रहेगा हम उसे न्यू लास्ट नोट बनाएंगे। देन डिलीट फर्स्ट आइटम, यदि हमें आइटम डिलीट कर रहे हैं तो हम वहां से फर्स्ट आइटम डिलीट करेंगे। देन सेव रेफरेंस टू द फर्स्ट लिंक, फर्स्ट लिंक में हम सेव रेफरेंस करेंगे। देन हम जो टेंथ लिंक रहेगा उसे हम हेड बनाएंगे। देन इफ ओनली वन लिंक, यदि सिर्फ एक ही लिंक है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वल टू नल एंड लास्ट इक्वल टू नल, नेक्स्ट जो प्रीवियस रहेगा उसे हम नल करेंगे। हेड जो है हमारा, हेड में हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो डिलीटेड लिंक रहेगी वो रिटर्न हो जाएगी। और यदि हमें लास्ट लोकेशन की जो लिंक को डिलीट करनी है तो हम लास्ट लोकेशन को लिंक को डिलीट करने के लिए स्ट्रक्ट नोट टेम्प लिस्ट लास्ट करेंगे। देन इंट करेंगे हम ओनली वन लिंक को। देन उसके बाद जो हमारी हेड रहेगा वो नेक्स्ट में इंडिकेट करेगा जो कि हमारा नल है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हेड इक्वल टू नल, एल्स प्रीवियस जो रहेगा वो नल हो जाएगा। ठीक है, देन हम जो यहाँ पे रहेगा लास्ट को हम प्रीवियस बना देंगे और जो हमारी टेम्पररी लिंक है वो हमारी रिटर्न हो जाएगी। देन ये क्या था हमारा, यदि हम लास्ट या बिगिनिंग को डिलीट करना चाह रहे थे, वैसे ही हम यदि गिवन की को डिलीट करना चाहेंगे तो गिवन की को डिलीट करने के लिए आप देखिए स्ट्रक्चर नोट डिलीट इन की। ठीक है, देन स्ट्रक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिंक, फर्स्ट लिंक में हम स्टार्ट करें, करेंट हेड है और प्रीवियस नल है, जो हमारा लास्ट लिंक है वो तो नल होगा क्योंकि उसके पहले कोई लिंक है नहीं, और करेंट जो है हमारा वो हमारा हेड है। अब हम क्या देखेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा नल। ठीक है, एम्प्टी नहीं रहेगा तो वो नेविगेट करेगा लिस्ट में और की को सर्च करेगा की इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। देन इफ करेंट नेक्स्ट इक्वल टू नल, रिटर्न नल। ठीक है, यदि नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो वो रिटर्न करेगा नल, एल्स जो वो प्रीवियस रहेगा उसे भी वो करेंट शो कर देगा। ठीक है, देन करेंट इक्वल टू करेंट एंड नेक्स्ट, इफ करेंट इक्वल टू हेड मीन, जो आपका करेंट वैल्यू है वही यदि आपका हेड में है तो जो हमारी हेड वैल्यू रहेगी वो हमारा नेक्स्ट में चले जाएगा और हमारी जो लिंक है वो बाईपास हो जाएगी करेंट लिंक। और यदि करेंट लिंक हमारी लास्ट लिंक है तो हमारी जो करेंट लिंक रहेगी वो प्रीवियस लिंक बन जाएगी और जो हमारा करेंट लिंक रहेगा वो प्रीवियस लिंक बन जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो करेंट रिटर्न कर देगा। देन हमें यदि इंसर्ट कराना है, अभी हम डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, अब यदि हमें बुलियन में इंसर्ट कराना है तो उस चीज का ऑपरेशन है, हम सेम वही चीज करेंगे। यदि हमारा लिस्ट एम्प्टी है तो वो हमें नल रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। हमें फिर वही देखना है कि लिस्ट हमारा लास्ट नोड है तो हम नेक्स्ट में लिंक, नेक्स्ट लिंक में हम उसे मूव करा देंगे, और यदि हमको लिंक क्रिएट करना है तो हम एक नया लिंक क्रिएट करेंगे। हमारा यदि करेंट जो लिंक है वो लास्ट है और जो न्यू लिंक है वो नल है तो हम यहाँ पे लास्ट को न्यू लिंक करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे न्यू लिंक इक्वल टू करेंट और नेक्स्ट में जाएंगे और करेंट लिंक जो रहेगा वो हमारा न्यू लिंक बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू लिंक जो है हमारा करेंट लिंक होगा और जो करेंट लिंक है वो हमारा न्यू लिंक होगा। ठीक है, देन यहाँ पे हमारी वह वैल्यू रिटर्न कर देगा। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वॉइड मेन करके हम वैल्यू इंसर्ट करा दे रहे हैं। वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टू लास्ट वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं एक डिस्प्ले फॉरवर्ड बना के,
डिस्प्ले फॉरवर्ड जो हमने फंक्शन बनाया हुआ था उसको कॉल करके हम लिस्ट को प्रिंट करा दे रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट टू फर्स्ट जो हमारा लिस्ट है या आइटम्स है उसे हम प्रिंट करा रहे हैं और इसमें हम डिस्प्ले बैकवर्ड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन हम डिलीटिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड को, यदि हम फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड के डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट फर्स्ट का फंक्शन ले रहे हैं और डिस्प्ले फॉरवर्ड। देन यदि हमें लास्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट लास्ट हम फंक्शन ले रहे हैं और डिस्प्ले फंक्शन। यदि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर इंसर्ट कर रहे हैं, आफ्टर फोर हम सेवन और थर्टीन इंसर्ट कर रहे हैं, आफ्टर हम डिलीट कर रहे हैं फोर, ठीक है। आफ्टर डिलीट की फोर, फोर के बाद सेवन और थर्टीन इंसर्ट करने के बाद फोर हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम काफी लंबा था, अब हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें फॉलोइंग आउटपुट शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लिस्ट था, लिस्ट में हमारा ये वैल्यूज हमने इंसर्ट कराई थी फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट, मीन्स हम यदि लिस्ट को रिवर्स कर दे तो वो हमारा हो जाएगा लास्ट टू फर्स्ट। देन लिस्ट में क्या होगा हमारा, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद ये हमने जो 656 था वो रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लास्ट रिकॉर्ड को भी डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट और जो 10 ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है उसे भी हम डिलीट कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट इंसर्ट आफ्टर C4, C4 के बाद हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ये है हमारा C4, उसके बाद जो हम वैल्यू थी 7 और 13 उसको हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। अब लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग C4, C4 के बाद जो हम लिस्ट था डिलीट किया हमने तो उसके बाद जो ये वैल्यू थी ये वो वैल्यू थी, ठीक है। तो ये था आपका डबली लिंक लिस्ट का एग्जांपल जो कि बहुत बड़ा था। डेटा लिंक लिस्ट के जितने भी एग्जांपल्स रहते हैं स्टैक क्यू में भी हम आगे पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, और इसमें जितने भी हमारे सर्च के ऑपरेशंस में जितने भी हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं वो काफी बड़े रहते हैं। तो ये प्रोग्राम था और इसका ये आउटपुट था। अब हम इसके लास्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट आपका लास्ट टाइप है लिंक लिस्ट के टाइप का, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका दो टाइप है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, यदि हम इसकी बात करें, इन अ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। लास्ट नोड जो है पॉइंटर कंटेन करेगा फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट से। वी कैन हैव सर्कुलर लिंक लिस्ट एज वेल एज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, हमारे पास सर्कुलर सिंगली और सर्कुलर डबली दोनों ही लिंक लिस्ट रहते हैं। वी ट्रेवर्स सर्कुलर लिंक लिस्ट सेम नोड वेयर वी स्टार्टेड, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में एक ही जगह हम ट्रेवर्स करा पाएंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट हैज नो बिगनिंग और एंडिंग, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में कोई भी बिगनिंग और एंडिंग नहीं होता, ठीक है। और इसमें कोई भी नल वैल्यू भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ये आप एक एग्जांपल देखिए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का, यहाँ पे आपका हेड है जो फर्स्ट है सेकंड है और थर्ड है, नेक्स्ट में फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या हो रहा है सर्कुलर वे में आपका जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर वे में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसमें कोई भी फर्स्ट लास्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे नल वैल्यू है। सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है आपका वो मोस्टली टास्क मेंटेनेंस के लिए यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम इसे मेनली टास्क मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि हम सफरिंग करते हैं, जब मान लीजिए आप कोई पेज विजिट करते हैं तो पेज जब आप लास्ट विजिट करते हैं तो हम जब उसे सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए हमने कुछ नेक्स्ट दबाया, हम कुछ नेट में सर्च कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट दबाया। अब नेक्स्ट दबाने के बाद यदि हम प्रीवियस पेज में जाना चाहें तो हम प्रीवियस बटन दबा के कहाँ जाते हैं, प्रीवियस पेज में चले जाते हैं।
तो यही जो है हमारा सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट का आपका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ये है आपका एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का। इसमें आप देखिए कि जो हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का, ये कैसे वर्क कर रहा है। इस जो इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का, जो कि मार्क्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, चार सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है, चार सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स है यहाँ पे। हाउएवर द इमेज शोस द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट स्टोर्ड इन मेमोरी। अब आप देखिए द स्टार्ट ऑफ द हेड लिस्ट pointing the elements with the one index one and containing 13 marks in the data part of 4 in the next part, which means that the linked list node that is being stored at 4th index of the list, ठीक है, 4th index of the list में ये जो है यहाँ पे आपका 13 number है, start हो रहा है first से, और ऐसे आपके यहाँ पे क्या है data store हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर सिंगल लिंक्ड लिस्ट है ये उसका एग्जांपल है। वी कैन आल्सो हैव मोर देन वन नंबर इन लिंक्ड लिस्ट द मेमोरी विद द डिफरेंट स्टार्ट पॉइंट्स पॉइंटर्स पॉइंटिंग टू द डिफरेंट स्टार्ट नोड्स इन द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स पॉइंट होते हैं वो सारे जो है लिस्ट में पॉइंट होते हैं। Then the last node is identified by in next part which contain the address start of the address start node of the list. जो last node identify रहता है वो next part के contain करता है address को start node of the list में। We must ever to identify the last node of any linked list so that we can find out the number of iteration we need to perform while traversing the list. हम last node को identify करने के लिए ever रहते हैं किसी भी linked list में, क्योंकि हमें उसे find out करना रहता है कि कितने number of iterations हमको perform करने पड़ेंगे जब भी हमें list traverse करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि हमारी जो values रहती है वो हमें पता रहती है कि हमें कितने numbers of iteration करने हैं हमारे node में, हमारे लिंक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड्स है, ये चीजें हमें पता रहती है। ऑपरेशन ऑन सर्कुलरली सिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन की आप बात करें, इंसर्शन ऑपरेशन सेम यदि आपको बिगनिंग में इंसर्ट करना है या एंड में इंसर्ट करना है। यदि आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के बिगनिंग में इंसर्ट करना है तो आप ये वाला ऑपरेशन लेंगे, और इंसर्शन एट दी एंड ऑपरेशन आप तब यूज करेंगे जब आपको सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना है। देन आता है डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग। डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग में वही है, यदि आपको डिलीशन बिगनिंग में परफॉर्म करनी है या डिलीशन एंड में परफॉर्म करनी है। सर्चिंग मींस आप एक सर्च करेंगे गिवन एलिमेंट को, यदि वो मिल जाता है तो वो आपका पोजीशन रिटर्न करेगा, और यदि नहीं मिलता है तो आपका नल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ट्रैवर्स आपका एक बार कम से कम पूरे फाइल को, पूरे लिस्ट को कम से कम एक बार वो ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये एक सर्क्यूलर ही रहता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट लास्ट को और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट को पॉइंट करता है। वो जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट है, जो डबल लिंक लिस्ट है, वो हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट की। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये जो नोड है वो प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करता है एज वेल एज नेक्स्ट नोड को भी पॉइंट करता है, और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है इसलिए यहाँ पे कोई भी नल नोड नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट नोड रहता है वो एड्रेस कंटेन करता है फर्स्ट नोड का, लिस्ट का जो फर्स्ट नोड रहेगा उसके एड्रेस को वो कंटेन करता है, और जो फर्स्ट नोड है वो प्रीवियस पॉइंटर के एड्रेस को कंटेन करता है। ये देखिए आप, ये एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है जिसमें क्या है पूरा जो लिस्ट है यहाँ पे आपका सर्कुलर वे पे फॉर्म है, ठीक है। ड्यू टू फैक्ट
सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन थ्री पार्ट्स, यहाँ पे तीन पार्ट्स रहेंगे, एक आपका डेटा पार्ट रहेगा, एक आपका प्रीवियस लिस्ट और एक आपका नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड नेक्स्ट नोड और डेटा, ये आपका तीन चीज यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए रहती है। और ये सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमको इजी मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है सर्चिंग के लिए, जो कि हमारे लिए एफिशिएंट है। ठीक है, अब हम यदि हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, तो मेमोरी मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो दी फॉलोइंग फिगर शोज वे इन विच एलोकेट मेमोरी इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम जो ये वैल्यू एड कर रहे हैं ये उसका क्या है, और ये उसका डायग्राम है जिसमें हम सर्कुलर वे के लिस्ट में क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो है हमारा वन है, दैट इज वन मींस ये जो वन है हमारा स्टार्टिंग नोड है, यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट नोड फोर है, प्रीवियस नोड एट है और आपका डेटा क्या है ए है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो डेटा कंटेन कर रहा है और जो आपकी चीजें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऑपरेशन सेम वही ऑपरेशन है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें यदि नोट के बिगनिंग में इंसर्ट करना है, नोट के एंड में इंसर्ट करना है, डिलीशन परफॉर्म करना है, तो सेम वही आपके ऑपरेशन है इंसर्शन और डिलीशन के डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी। ठीक है, और ट्रेवर्सिंग और जो सर्चिंग है ये भी आपका सेम है सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, हम एक सी में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले हेडर फाइल्स ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम अपने नोड को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, हेड और करंट को हम नल ले रहे हैं और नेक्स्ट नोड हम यहाँ पे ले रहे हैं। देन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बुलियन हमारा एम्प्टी है, यदि एम्प्टी है तो हेड हमारा नल शो होगा। देन हम क्या करेंगे, इंट करेंगे हम लेंथ को, लेंथ को हमने जीरो लिया हुआ है, यदि लिस्ट एम्प्टी है, हेड यदि नल है तो वो रिटर्न करेगा जीरो। देन वो करंट में हेड में वो नेक्स्ट शो करेगा, करंट यदि नॉट इक्वल टू हेड है तो वो लेंथ को प्लस प्लस करेगा। ठीक है, अब यदि हमें इंसर्शन करना है फर्स्ट लोकेशन में तो उसके लिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज है, ये भी प्रोग्राम सेम है लास्ट प्रोग्राम के जैसे। देन यदि हमें डिलीट करना है फर्स्ट आइटम को तो उसके लिए हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे। देन हम यहाँ पे ये प्रोग्राम है आपका, देन उसके बाद हम यहाँ पे वॉइड मेन ले रहे हैं, वॉइड मेन करके हम वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं, वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम ऑल आइटम्स पूरी आइटम्स को हम डिलीट कर दे रहे हैं और उसके बाद भी हम फिर से लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए जो आपका ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू था 650, 540, 413, 320, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं पूरे वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं, पूरी वैल्यूज को डिलीट करने के बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो नल आपका शो करेगा। ठीक है, तो ये था आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट का जो ऑप्शन था, जो लिंक लिस्ट की आपकी जो वैल्यू थी पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टैक्स और क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।